आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 5 दिवसीय दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आराधना। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद 16 अक्टूबर को लखनऊ होंगे रवाना। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के हत्या आरोपी 1-1 लाख के इनामी दरोगा राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत यादव को कैंट और रामगढ़ताल थाने की टीम ने मंगलवार की दोपहर को किया गिरफ्तार। कोर्ट में सरेंडर के थे फिराक में। पहले भी 2 मुख्य हत्या आरोपी इंस्पेक्टर और दरोगा हो चुके हैं गिरफ्तार। अभी भी 2 हत्या आरोपी पुलिस के पकड़ से हैं दूर। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज द्वारा मंगलवार की शाम को की गई मां कालरात्रि की आराधना। शातिक बलि के रूप में नारियल, गन्ना, केला, जायफल आदि से दी गई बलि। आरती के बाद हुआ प्रसाद का वितरण। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गोरखपुर न्यूज के माध्यम से किसानों से की अपील। कहा, 1 अक्टूबर से धान खरीद की प्रक्रिया हो गई है शुरू। सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचिए अपना धान, ना पड़े बिचौलियों के चक्कर में। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने किया ब्लॉकों का निरीक्षण। कार्यों में लापरवाही और अनुपस्थित रहने पर 5 कर्मचारियों पर की विभागीय कार्यवाही। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व निरीक्षकों व लेखपालों की 1 दिवसीय कार्यशाला। लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदारों को दी गई कार्यदक्षता बढ़ाने की जानकारी। महिला मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक विधायक संगीता यादव के नेतृत्व में हुई संपन्न। कहा, 2022 में प्रदेश में बनेगी दोबारा भाजपा सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पोषण समिति बैठक। पोषण मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं एवं गतिविधियों की गई समीक्षा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका कार्य प्रारंभ कराते हुए कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कराने के दिए निर्देश। मिशन शक्ति अभियान के तहत आरटीओ के चरगावा स्थित डीटीआई पर आयोजित हुआ नुक्कड़ नाटक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ महिलाओं के सुरक्षा सम्मान पर किया गया नाट्य मंचन। महिलाओं के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 60 केंद्रों पर 15,091 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। प्रथम डोज लेने वालों में 6,746 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 8,345 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा मुक्त शिक्षा की प्रासंगिकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य के विषय कार्यशाला का हुआ आयोजन। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा, रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील है राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। और नवरात्रि के पावन अवसर पर स्नेहिल नारी संस्थान द्वारा बेतिहाता स्थित मंगला देवी मंदिर में माता की चौकी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देवी गीतों के साथ की गई मां दुर्गे की आराधना।